हेलो एवरीवन वेलकम टू द क्लास आज हम कंपैरेटिव एनाटॉमी की लास्ट क्लास करेंगे दैट इज डाइजेस्टिव ग्लैंड्स ऑफ वर्टिब्रेट जैसा कि शुरू में हमने बताया था कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इफ़ यू सी जस्ट मिनट इट इज मेड अप ऑफ टू पार्ट्स दैट इज एलिमेंट्री कैनल प्लस डायजेस्टिव ग्लैंड ठीक है एलिमेंट्री कैनाल की तो हमने कंपेरेटिव एनाटॉमी कर ली अब आज हम करेंगे कंपेरेटिव एनाटॉमी ऑफ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स अब आप ये देखो कि जो हमने कहा है कि डाइजेस्टिव सिस्टम का काम क्या है टू ब्रेक डाउन द फूड इनटू इट वेरियस इनटू द वेरियस न्यूट्रिएंट्स राइट बिकॉज अवर बॉडी नॉट टेक अप द फूड एज सच हमारी बॉडी जो है फूड को न्यूट्रिएंट्स की फॉर्म में ही ले सकती है इलेक्ट्रोलाइट्स की फॉर्म में ले सकती है आवर बॉडी कैन एब्जॉर्व वाटर ठीक है अगर डाइजेस्टिव ग्लैंडस नहीं है तो जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है एलिमेंट्री कैनाल है वो केवल एक इट विल बी मेयर अ पाइप लाइक स्ट्रक्चर राइट सो यू कैन से एलिमेंट्री कैनाल इज द साइट ऑफ डाइजेशन एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड दे प्रोवाइड

जो ग्लैंड्स जो है ओरल कैविटी में प्रेजेंट है या बकल कैविटी में प्रेजेंट है वो हम हम करेंगे वन बाय वन सो इफ यू सी कि फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिकली जो ग्लैंड्स है ओरल कैविटी की वो क्या सिक्रीट करती हैं वो सिक्रीट करती हैं म्यूकस ठीक है म्यूकस से क्या होता है कि फूड जो है वो मॉइस्टर हो जाता है और मॉइस्टर होने से इट इज़ ईजी टू यू नो स्वेलो इजीली वो स्वेल हो जाता है फूड ठीक है अब क्या होता है कि ये जो टेरिस्ट्रियल uh, एनिमल्स होते हैं जिनका कि फूड ड्राई होता है उनमें जो है म्यूकस ग्लैंड जो है ज़्यादा मात्रा में होती हैं सो दैट द फूड कूड बी गल्फ ईजिली वेर एज जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनका जो ऑलरेडी जो फूड है दैट इज ऑलरेडी मॉइस्ट तो उनमें जो म्यूकस ग्लैंड है वो इतनी दे आर नॉट वेल डेवलप्ड इतनी होती हैं पर इतनी वेल well डेवलप्ड नहीं होती जितनी टेरिस्ट्रियल एनिमल्स में होती है ठीक है ये चीज़ तुम दिमाग में रखना सो so, अब हम सबसे पहले देखते कंपेरेटिव एनाटमी में साइक्लोस्टोम्स ठीक है साइक्लोस्टोम जो है एक्टिक एनिमल है देखा जाए तो यहाँ पर जो है म्यूकस ग्लैंड जो हैं वो आ, नहीं होती है बट इनके यूनो दे सिक्रीट ग्लैंड विच इज बिलो टंग टंग के नीचे ग्लैंड है बिलो टंग देर इज अ ग्लैंड ठीक है यू कैन से इट इज अ अबलिंग ग्लैंड और वो एक एंटी को रिलीज करती है जिसको कहते हैं लैम्फरडीन वॉट इट यानी कि बिलो टंग ग्लैंड विच सीक्रिटरडिन और लैम्फर्डीन क्या है एक एंटी को है यानी कि होस्ट के ब्लड को ये क्लॉट नहीं होने देता है ठीक है सेकेंड कम्स आफ्टर साइक्लोस्टोम आफ्टर साइक्लोस्टोम्स कम्स फिशेस ठीक है अब फिशेस में क्या होता है कि द ओनली ग्रैंड विच इज प्रेजेंट इन द बक्कल कैविट म्यूकस ग्लैंड हालांकि फिशेस भी एक्वेटिंग है बट जो है फर्दर फूड को एक तरह से लिक्विफाई uh, करने के लिए द ओनली ग्लैंड इफ यू सी प्रेजेंट इन फिशेस इज म्यूकस ग्लैंड नेक्स्ट कम्स थर्ड इज एम्फीबियंस ठीक है एम्फीबियंस में क्या है कि जैसे कि जो एक्वेटिक एम्फीबियंस है जैसे यूरोडेल्स है ठीक है यूरोडेल्स में इफ यू सी जो है म्यूकस ग्लैंड जो हैं सेम जैसे कि फिशेज़ में प्रेजेंट है ना वैसे ही उत, उतने ही मतलब मॉडरेट अमाउंट में म्यूकस ग्लैंड जो है वो प्रेजेंट होती हैं यूरोडेल्स में जैसे फिशेज में प्रेजेंट होती हैं बट जो टेरिस्ट्रियल एम्फीबियंस है टेरिस्ट्रियल एम्फीबियंस जैसे कि फ्रॉग है इसमें क्या होता है फ्रॉग में कि दोनों नेजल चैम्बर्स के बीच में एक सेप्टम होता है यू कैन से इंटर नेजल ग्लैंड दोनों सेप्टम्स के बीच में वहाँ पर एक ग्लैंड होती है इसको इंटर नेजल ग्लैंड बोलते हैं या इसको इंटर मैगजिलरी ग्लैंड भी बोल सकते हैं ठीक है और ये ग्लैंड क्या रिलीज़ करती हैं इफ़ यू सी कि तुमने देखा कि आ, आ, इसकी फ्रॉक की जो टंग होती है बहुत स्टिक्की होती है यानी कि ये ग्लैंड एक ऐसा एडेसिव स्ट्रक एडहेसिव रिलीज करती है उसकी टंग के ऊपर फ्रॉक की टंग के ऊपर जिससे कि वो टंग के हो जाए स्टिक्की हो जाए और वो इंसेक्ट्स वगैरह को ईजिली कैप्चर कर लेते ठीक है थीके? तो इफ़ यू सी दैट इज़ वन ग्लैंड इसके अलावा एम्फीबियंस में इफ़ यू सी देर इज लिंगल ग्लैंड लिंगुल ग्लैंड का मतलब कहाँ प्रेजेंट है ये दिस ग्लैंड इज प्रजेंट ऑन द ट ठीक है ये भी इफ यू सी फ्रॉग्स में टोड्स में यूरोडल्स में इट इज फाउंड जो कि क्या सिक्रीट करती है इट्स सिक्रीट म्यूकस कई बार म्यूकस को ये वन एंड द सेम थिंग दोनों चीजों में सेम वे एम्फीबियंस के अंदर एक और ग्लैंड होती है जिसको कहते हैं फेरेंजल ग्लैंड ठीक है फेरेंजियल ग्लैंड जो है कहाँ प्रेजेंट होती है इंटरनल नेयर्स के पास लोकेटेड होती है फेरेंजियल ग्लैंड ठीक है ये भी फ्रॉग्स और टोट्स में प्रेजेंट होती है देन देयर इज अनदर सेट ऑफ ग्लैंड बक्कल ग्लैंड ठीक है बक्कल ग्लैंड क्या सिक्रीट करते बक्कल ग्लैंड का मतलब ये कहाँ लोकेटेड है दिस इज लोकेटेड ऑन द चीक्स ठीक है वहाँ पर लोकेटेड ये क्या रिलीज करती है ये ये, ये रिलीज करती है टायलिन पी टी वाई ए टायलिन जो है एक तरह से अमाइलेज का ही दूसरा नाम है जो कि फ्रॉग्स में प्रेजेंट ठीक है नाउ आफ्टर एमफीबियन इफ यू सी वी कम टू थर्ड यू कैन से क्लास दैट इज फिश सॉरी रेप्टाइल्स रेप्ट ठीक है रेप्टाइल्स में इफ यू सी वेरियस ग्लैंड्स आर प्रेजेंट से टंग पर जो प्रेजेंट है लिंगुअल ग्लैंड है बिलो टंग जो है दैट इज सब लिंगुअल ग्लैंड आर प्रेजेंट देन लिप्स पर जो, जो ग्लैंड है उनको कहते हैं लेबियल ग्लैंड लेबियल ग्लैंड आर प्रेजेंट अपार्ट फ्रॉम दिस देयर इज अ ग्लैंड विच इज प्रेजेंट ऑन पैलेटाइन जिसको बोलते हैं लेटाइन ग्लैंड ठीक है और ये सारी ग्लैंड क्या रिलीज करती हैं दे सिक्रिट म्यूकस ठीक है अब आप देखो ये क्या है ये है गिला मॉन्स्टर ये मैंने आपको एक पहले भी क्लास में दिखाया था गिला मॉन्स्टर जो है एक रेप्टाइल है इसमें अगर आप देखोगे यहाँ पे जो सब ग्लैंड है ना अभी मैंने बताया था कि रेप्टाइज में सब ग्लैंड होती है तो गिला मॉन्स्टर में जो सब ग्लैंड है दैट हैज बीन मॉडिफाइड इन अ पॉइजन सिक्रीटिंग ग्लैंड ठीक है इसी तरह ये देखो पॉइजनर स्नेक्स का ये डायग्राम भी मैंने तुम्हें दिखाया था पॉइजनस स्नेक्स में जो अपर जॉब में होता है ना ये देखो ये क्या है कि ये ग्लैंड है और ये ग्लैंड की देखो डक्ट है और जो कि आगे जाके यू सी मैग्जिलरी टीथ पे ओपन हो रही है ठीक तो पॉइजनस स्नेक्स में भी क्या होता है कि अपर हमें जो ग्लैंड जो है दैट इज लेबियल ग्लैंड ठीक है ये जो लेबियल ग्लैंड है यू सी दैट लेबियल ग्लैंड हैज़ बिन मॉडिफाइड इन टू वेनम ग्लैंड और पॉइजनस ग्लैंड ठीक है जो कि यहाँ पे सी ओपन होती है इन द ग्रूव ऑफ पॉइजन फैंग या इस टीथ के पीछे जो है ग्रूव होता है ये देखो ये जो है बिहाइंड टीथ दर इज अ ग्रूव और वैनम कैनल थ्रू विच द वैनम इज इजेक्टेड आउट ठीक दिस वॉज अबाउट रेप्टाइल इसके अलावा टर्टल्स टर्टल भी रेप्टाइल है क्रोकोडाइल्स इन एनिमल्स में क्या है कि ग्लैंड जो है पुअरली डेवलप्ड है इतनी ज्यादा इनमें जो ग्लैंड है डेवलप्ड नहीं that, comes, के बाद क्या आती है ठीक है बर्ड्स में क्या है कि दे हैव वेल डेवलप्ड सबलिंग ग्लैंड यानी कि टंग के नीचे जो है ग्लैंड लोकेटेड है जिसको कहते हैं सब ग्लैंड जो बाकल कैविटी के फ्लोर पर ओपन होती है और ये क्या है क्या सिक्रीट करती है इट्स एन एनजाइम न्यून सलाइवरी अमाइलेज एनजाइम ठीक है जो कि यानी कि डाइजेशन जो है बर्ड्स में इट स्टार्ट फ्रॉम द माउथ बिकॉज वहां पर सलाइवरी अमाइलेज सिक्रीट की जाती है फ्रॉम द सबलिंग ग्लैंड करेक्ट नाउ कम्स आफ्टर बर्ड्स कम्स मैमल्स मैमल्स में इफ यू सी सो मैनी म्यूकस ग्लैंड आर देयर ठीक है माइन्यूट न्यूमरस जो कि पैलेट पर भी लोकेटेड है टंग पर भी लोकेटेड है ठीक है और मैमज एक तरह से मैम्स आर द फर्स्ट वर्टिब्रेड्स ये पहले ऐसे वर्टिब्रेड्स हैं वेर यू विल फाइंड लार्ज डिस्टिंक्ट सलाइवरी ग्लैंड अब तक जो है जितनी भी ग्लैंड थी वो म्यूकस ग्लैंड थी ठीक है इवन अगर सबलिंगुअल ग्लैंड है तो वो सलाइवरी अमाइलेज रिलीज करती पर डिस्टिंक्ट एक डिस्क्रीट स्ट्रक्चर जैसे होता है ग्लैंड का वो जो है फर्स्ट टाइम किस में दिखा मैमल्स में दिखाई दिया या मैमल्स में इट इवॉल्व ठीक है नाउ अगर हम देखें ह्यूमन बींग में देखें आप ये देखो कैन यू सी दिस पिक्चर देर आर थ्री पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड जस्ट जो इफ यू सी बिहाइंड द

ठीक है ऊपर वाले वेस्टिब्यूल में ओपन हो रही है अपोजिट टू द अपर मोलर टीथ नेक्स्ट ग्लैंड इफ यू सी इन मैन इज सब मैग्जिलरी ग्लैंड ठीक है और इसको इन्होंने जो है इफ यू सी सब मैंडिबुलर ग्लैंड भी नाम दिया हुआ है सब मैग्जिलरी ग्लैंड और जो कहते सब मैंडिबुलर ग्लैंड और इसकी जो डक्ट है ये दिखाई दे रहा है ये ये जो डक्ट है दिस इज नोन एज सब मैंडिबुलर डक्ट और सब मैग्जिलरी डक्ट जिसका नाम है डक्ट डो ठीक है थर्ड ग्लैंड इफ यू सी अगर आप ये देखो ये तो ये कौन सी थी सब मैंडुलर ग्लैंड ये जो थर्ड डक्ट है विच इज बिलो टंग यू विल सी एकदम फेंट सी दिखाई दे रही ना ये वाला स्ट्रक्चर एक बार इफ यू सी दिस ग्लैंड विच आई विद ग्रीन कलर यहाँ पर दिस ग्लैंड इज नोन एज सब लिंग ग्लैंड एंड इसकी जो डक्ट है उसको बोलते हैं सब लिंगल डिंगल डक्ट का दूसरा नाम है डक्ट बार्थोलि डक्ट जो कि बक्ल फ्लोर के एंटीरियर पार्ट पर लोकेटेड है और ये सब जो सारी ग्लैंड हैं इफ यू सी दे ऑल रिलीज सलाइवा सलाइवा कंसिस्ट ऑफ वॉटर म्यूकस एंडवरी अज ठीक है दिस वॉज अबाउट यू कैन से टिपिकल जो मैम मैमल में जो ग्लैंड होती है वेर एज आप देखो ये है रेबिड रेबिड भी मैमल है वहाँ पर थ्री पेयर ऑफ ग्लैंड थी यहाँ पर जैसे पैरोटेड ग्लैंड ठीक है सब मैग्लर ग्लैंड और सब मंडिबुलर ग्लैंड सब लिंग ग्लैंड देर इज अ फोर्थ सलाइवरी ग्लैंड नोन एज इन्फ्रा ऑर्बिटल ग्लैंड और जाइगोमेटिक ग्लैंड जो कि आई की देखो ये आई है ना आई के जस्ट नीचे लोकेटेड है ठीक है ये जो ग्लैंड है इफ़ यू सी दिस ग्लैंड दिस इज इंफ्रा ऑर्बिटल ग्लैंड यानी कि रैबिड भी मैमल है पर इस रैबिड में जो है फोर पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड है और मैन में जो है थ्री पेयर्स ऑफ सलाइवरी लैंड्स आते हैं ठीक है इसी तरह जो वेल्स हैं या सिरेनियंस हैं जिनको हम सी कॉ भी बोलते हैं सिरेनियंस हैं इनमें जो है सलाइवरी लैंड जो है रिड्यूस्ड हैं या दे आर लॉस्ट दे आर नॉट इवन समाइम्स फाउंड श्र्यू श्र्यू जो है एक यू नो माउस लाइक स्ट्रक्चर जैसे छोटा माउस होता है ना ये देखो ये श्र्यू है मैं वाइट कलर्स लगती है ठीक है एफ यू सी श्रू में सब लिंगल ग्लैंड देखो मैमल है जो थोड़े से अलग केसेस है वो बता बता रहे हैं श्रू में सब लिंगल ग्लैंड जो है वो एबसेंट होती है सब लिंगुल ग्लैंड ठीक है इसी तरह से एफ यू सी की आर्टीओडक्टाइला आर्टीओडक्टाइला मैमल का एक ऑर्डर है जिसमें कि गोट कैमल जो ग्रेज इस तरह के जो ग्रेजिंग एनिमल्स आते हैं वो आते हैं इनमें आर्टियोडेक्टाइला डैक्टाइला में इफ़ यू सी जो मोलर ग्लैंड्स हैं वो वेल डेवलप्ड होती है ठीक है जो मोलर टीथ के पास जो ग्लैंड प्रेजेंट होती है यू कैन से सब मैंडिबुलर ग्लैंड और सब मैगजरी ग्लैंड दे आर वेल डेवलप्ड इन आरटीओ डैक्टीला और ये ग्लैंड जो हैं क्या आ, करती है ये ग्लैंड जो है यू कैन से डाई म्यूकस इक्रिएट करती हैं और फूड को इनिशियली पता है ना फूड जो है र्यूमन में जाता है उस टाइम दे है ये दिस ग्लैंड रिलीज म्यूकस सो दैट द फूड कूड बी स्वैलोड इजीली जो कोर्स फूड होता है ना इनिशियली ग्रास वगैरह का कोर्स फूड बोलते हैं उसमें काफ़ी ऐसे uh, बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं दैट म्यूकस सो दैट इट कुड बी स्टोर्ड इन द र्यूमन ठीक है mucus, so इतना समझ में दिस वॉज ऑल अबाउट यू कैन से सलाइवरी ग्लैंड और ग्लैंड ऑफ औरल कैविटी ठीक है नाव कम्स स्टमक स्टमक में जो ग्लैंड हैं उनको हम गैस्ट्रिक ग्लैंड भी बोलते हैं नाव सेकेंड ग्लैंड विच विल बी डीलिंग विज गैस्ट्रिक ग्लैंड ठीक है गैस्ट्रिक ग्लैंड जो हैं कहाँ लोकेटेड हैं ये मेमिलियन स्टमक में लोकेटेड हैं ठीक है देर आर अबाउट थर्टी फाइव मिलियन इफ यू सी ग्लैंड इन ह्यूमन स्टमक ठीक है जैसे मैं तो मैं जब हम जब दिस इज ह्यूमन स्टमक इफ यू सी राइट दिस इज कार्डियक पार्ट दिस इज फंडस पार्ट सॉरी पाइलोरिक पार्ट एंड दिस इज फंडस पार्ट ये करते ना हम यूजअली ड्रॉप अब क्या है कि जो कार्डियक पार्ट ऑफ स्टमक और जो पाइलोरिक पार्ट ऑफ स्टमक है वॉट दे डू दे सिक्रिट म्यूकस दे सिक्रिट ओनली म्यूकस जो फंडस पार्ट है इफ यू सी इट इज द पार्ट दिस पार्ट विच कंटेन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स और यू कैन से ग्लैंडुलर सेल्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिक्रिशन वो अब हम मेक करके आपको दिखाते हैं ये आप सी फॉर एग्जाम्पल ये देखो स्टमक का अगर हम सेक्शन लें तो उसका उसका जो एक फोल्ड होता है उसमें बिफाइन सच स्ट्रक्चर हेयर यूल सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स फर्स्ट इफ़ यू सी ये दिखाई दे रहा है ऑगजेंटिक सेल ये मैं किसकी बात करी हूँ आई एम टॉकिंग अबाउट द फंडस पार्ट ठीक है ऑक्जेंटिक सेल्स हैं ऑक्जेंटिक सेल्स क्या रिलीज करते हैं स्टामक में दे रिलीज एच सी एल ठीक है नेक्स्ट पोर्शन इज ऑफ नेक्स्ट टाइप ऑफ सेल विच इज प्रेजेंट इज चीफ सेल्स ये दिखाई दे रहे हैं ना ऑक्जेंटिक सेल्स तो ये है Just a minute. ये जो सेल्स हैं ये ऑक्जेंटिक सेल्स हैं राइट नाउ दीज सेल्स

गैस्ट्रिक लाइपिस जो कि लिपिड को ब्रेक डाउन करती है नेक्स्ट इफ यू सी टाइप ऑफ सेल्स इफ यू सी कैन यू सी इज म्यूक म्यूकस सेल्स आर ऑल्सो नोन एज गॉब्ल सेल्स ये दिखाई दे रहे हैं डीज आर म्यूकस ठीक है और म्यूकस सेल्स जो है इनको गॉब्लेट सेल्स भी बोलते हैं और ये एज द नेम इंडिकेट क्या सिक्रिट करते हैं They secrete mucus. Then in the last, if you see, can you see uh, the fourth type of cell here known as argentaffin cells? Argentaffin cells or argentaffin cells, if you see, they uh, secrete a hormone known as gastric. ठीक so, है, cell, है तो जो फंडिक ग्लैंड है इट हैज गॉट फोर टाइप ऑफ सेल्स ऑक्सेंटिक सेल चीफ सेल्स म्यूकस सेल्स एंड अर्जेंटाफिन सेल्स मैं एक बार अर्जेंटाफिन का नहीं दिखाई दे रहा अर्जेंटाफिन सेल्स ठीक है ये सारे ग्लैंड जो हैं तो सिंपल टाइप की हैं या कंपाउंड ट्यूब्यूलर मैंने जब ग्लैंड बताए थे ना ऑल दिस ग्लैंड आर इधर सिंपल सेल्स और इफ यू सी ओके और दे कैन बी कंपाउंड ट्यूब्युलर ग्लैंड नाउ नेक्स्ट वी आफ्टर ग्लैंडुलरसेस वी कम टू इंटेस्टिनल ग्लैंड ठीक है अगर हम इंटेस्टाइन में का सेक्शन ले हेयर विल फाइंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स फर्स्ट आप देखो क्रिप्ट ऑफ ल्यूबरकून ये आप देखो दो इंटस्टेंट के फोल्ड हैं दोनों इंटस्टेंट के फोल्ड का ये जो नैरो एरिया है ना इसको बोलते हैं क्रिप्ट नाम क्या क्रिप्ट ऑफ लाइबर कून ये बोलते हैं तो क्रिप्ट ऑफ लाइबर कून में इफ यू सी दे क्रिप्ट ऑफ लाइबर कून इट कंसिस्ट ऑफ टू टाइप्स ऑफ सेल्स अर्जेंटाफिन सेल्स एंड पैनेथसेल्स ठीक है अर्जेंट ऑफिस क्या सिक्रीट करते हैं दे सिक्रीट अ हॉर्मोन नोन एज सिक्रेटिंग ये अर्जेंट ऑफिनसे ठीक है इसके अलावा देर इज पेनेथसेल्स पेनेथसेल्स क्या सिक्रीट करते हैं दे सिक्रीट लाइसो जाइम्स ठीक है देन देर इज अनदर्स ग्लैंडोर स्ट्रक्चर नोन एज ब्रूनर्स ग्लैंड ठीक है और ब्रूनर ग्लैंड इफ यू सी ये देखो सब म्यूकोजा के नीचे प्रेजेंट है डिओडिनम में जो ब्रूनर ग्लैंड इट सिक्रिट अल्कलाइन सिक्रिशन राइट इट्स इट गिव्स आउट अल्कलाइन सिक्रिश करेक्ट आफ्टर इंटेस्टिनल ग्लैंड वी कम टू द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी विच वी कॉल एज लिवर लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ग्लैंड प्रेजेंट इन मैमिलियन बॉडी ठीक है ये सभी वर्टिब्रेट में प्रेजेंट होती है अगर तुम्हें याद होगा जब मैंने दिखा तुम्हें इनिशियली बताया था कि आर्केंट्रॉन से किस तरह से पूरी एलिमेंट्री केनाल डिराइव होती है उसमें आप देखोगे कि ये जो आर्केंट्रॉन का बीच वाला पार्ट है दिस पर्टिकुलर पोर्शन मैं एक बार तुम्हें ऐसा अलग से करके दिखाती हूँ कि ये जो आर्केंट्रोन का पार्ट है यहाँ पे एक छोटी सी आउट ग्रोथ होती है ठीक है ये आउट ग्रोथ बाद में जो है इफ़ यू से डिवाइड्स इनटू टू लोब्स इस तरह से ठीक है और बाद में क्या होता है कि ये इसको बोल इस आउट ग्रोथ को बोलते हैं लीवर डायवर्टिकुलम ठीक है लिवर ये, ये लिवर डाइवर्टिकुलम इफ यू से डिवाइड्स इनटू टू पार्ट्स जो एंटीरियर पार्ट है जो ये लार्ज होता है ये कन्वर्ट हो जाता है कि इसमें जस्ट ये uh, दा, लिवर डाइवर्ट दाए, डिवाइड्स इनटू टू तो पार्ट्स देन दिस एंटीरियर लार्ज पोर्शन इफ यू सी इट फॉर्म्स द ग्लैंडुलर मास ऑफ द लिवर जो, जो एकदम लिवर के जो मेन पार्ट्स हैं, लोब्स होते हैं वो बनाता है ठीक है वाइल जो पोस्टीरियर पार्ट है ना ये बनाता है गॉल ब्लैडर यानी कि लेवर का ओरिजिन कहाँ से है लेवर जो है एंडोडर्म से ओरिजिनेट करता है ओके अगर हम मैं ये, अगर आपको देखो स्ट्रक्चर दिखाती हूँ मैं लेवर का जैसे तुम्हें तो पता है लेवर के बहुत सारे ऐसे लोब्स होते हैं ठीक है अगर हम लोब्स को देखें आ, तो ये लोब्स जो है छोटे छोटे लोब्यूल्स में डिवाइडेड है ईच लोब ठीक है अगर हम देखो ये ये देखो कैन यू सी दिस हेक्सागोनल स्ट्रक्चर इच हेक्ग्जागोन इज वन लॉब्यूल ठीक है अगर मैं इसको और एनलार्ज करके दिखाऊं लोब्यूल को अब आप देखो हर एक लोब्यूल में सेंटर में एक एरिया दिखाई दे रहा है दैट इज नोन एज सेंट्रल वे राइट और यू कैन कॉल इट एज हिपैटिक वे ठीक है अब आप देखो कि इस हेक्सागोनल पोर्शन में जो आ, ये, जो यहाँ पे यू कैन से कॉर्नर्स पे हर एक एंड पे देर इज अ यू नो यू यू कैन से पोर्टल इज पोर्टल ट्रायड वॉट डू यू मीन बाई पोर्टल ट्रायड हर एक यू नो यू कैन से जो कॉर्नर में यहां पर एक ट्र, पोर्टल ट्रायड है इस तरह जो है तीन जो है जो है, वो एक ट्रायड बनाती है जिसको पोर्टल ट्रायड बना बोलते हैं हम और वो क्या 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 है एक तो इसमें हिपैटिक पोर्टल वेन होती है से, सेक्शन में ठीक है जो दूसरी है वो हिपैटिक आर्ट्री होती है ठीक है और जो तीसरी जो वैसल है उसको कहते हैं इंटरलोबुलर हिपैटिक डक्ट ठीक है हिपैटिक पोर्टल वेन जो है कहाँ से आ रही है एलिमेंट्री कैनाल से जो एब्जॉर्ब फूड लेकर आ रही है हिपैटिक आर्टरी कहाँ से आ रही है हार्ट से आ रही है ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही है इंटर लॉबुलर हिपैटिक डक्ट क्या कर रही है कि सभी लो, लोब्स की जो हिपैटिक डक्ट को आपस में कनेक्ट कर रही है और जो सेंटर में है जो कि मैंने क्या क्या उसको क्या बोलते हैं हिपैटिक वेन जो ये हिपैटिक वेन है बॉडी का पूरा डी ब्लड कहाँ लेकर जा रही है ये हार्ट को लेकर जा रही है ठीक है तो ये स्ट्रक्चर है इसका लेवर का इसके अलावा आप देखो लेवर में ये जो कैन यू सी रो ऑफ सेल्स यहाँ पर भी आप देखो इस तरह जो रो ऑफ सेल्स दिख रहा है इसको बोलते हैं लेवर ट्रेबिक्यूरी रो ऑफ सेल्स मतलब ये जो सेल्स हैं इस तरह जो है एक दूसरे से कनेक्टेड है हर एक सेल ईच सेल इज नोन है और इस तरह जो हैपैटोसाइड्स जो एक रो में अरेंज है उनको कहते हैं रिवर ट्राइबिकुली अब इस तरह से रो में अरेंज होने के कारण क्या होता है कि बीच में एक सर्टेन स्पेसेस छोड़ देते हैं जिसको हम बोलते हैं साइनोसोइट्स और इन साइनोसाइड्स के अंदर स्पेशलाइज सेल्स होते हैं नोन एज कफ़र सेल्स और ये कफ़र सेल्स इफ़ यू सी ये मैक्रोफेजेस होते हैं या मैक्रोफेगस सेल्स होते हैं जो कि कोई भी मतलब अलॉन्ग विद द फूड कोई पार्टिकल कोई बैक्टीरिया या इस तरह का कोई भी यू कैन से पार्ट आ जाए उसको एनगल्फ कर लेते हैं ठीक है so, सो कफ़र सेल्स का जो है इस तरह से जो एजेंट्स हैं उनको रिमूवल का या जो भी कोई इम्प्योरिटी नॉट इम्प्योरिटी यू कैन से नॉन एसेंशियल पार्ट अलॉन्ग विद द फूड इफ इट इज एब्जॉर्व दैट इज किल्ड बाय कफ़र सेल्स थीके? इसके अलावा इफ़ यू सी कि दोनों लोब्स uh, के बीच में दोनों लोब्यूल्स के बीच में यहाँ पे एक व्हाइट कलर का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ है जिसको हम कहते हैं ग्लिसंस कैप्सूल करेक्ट नाउ अब क्या होता है कि जो ये सारी जो मैंने अभी दिखाया ना कि ये हर एक लॉब्यूल की जो हिपैटिक डक्ट है ये सारी हिपैटिक डक्ट मिलके क्या बनाती है डिफरेंट लोब्स की जो हिपैटिक डक्ट है ये सारी मिलके क्या बनाएंगी बाइल कैपिलरीज बनाती है और सारी जो बाइल कैपिलरीज मिलके क्या बनाती है हिपैटिक यू कैन से डक्ट बनाती है ठीक है यानी कि सारे लोब्स की मिलके जो लिवर से एक डक्ट निकल कर आती है उसको हम बोलेंगे हिपैटिक डक्ट और ये हिपैटिक डक्ट जो है इसी तरह गॉल ब्लैडर में जो है क्या होता है बाइल स्टोर किया जाता है और गॉल ब्लैडर की जो डक्ट है उसको क्या बोलते हैं सिस्टिक डक्ट ठीक है अब हिपैटिक डक्ट और सिस्टिक डक्ट जो है दोनों देख कंबाइन टू फॉर्म अ कॉमन हिपैटिक डक्ट और ये कॉमन हिपैटिक डक्ट इफ यू सी कॉमन हिपैटिक डक्ट इज और यू कैन से कॉमन बाइल डक्ट इज ऑल्सो नोन एज कोलेडोकस ठीक है ये कॉमन बाइल डक्ट है इसी तरह से साइड बाई साइड पेनक्रियाज भी है और पेनक्रियाज की डक्ट को क्या बोलते हैं पेनक्रियाज की डक्ट को बोलते हैं डक्ट ऑफ वर्सन वही उसी लोकेशन पर लोकेटेड पास में तो पेनक्रियाटिक डक्ट और हिपैटिक डक्ट दोनों इफ यू सी दे कंबाइन टुगेदर दे जॉइन टुगेदर अगेन टू फॉर्म अनदर कॉमन डक्ट विच इज नोन एज हिपैटो ठीक है ये डक्ट किस में ओपन होती है ये ओपन होती है डिओडिनम में ये एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट है जिसको हम कहते हैं डिओडिनम कई बार क्या होता है कि अक्सर होता है कि यहां पर जो ओपन होने से पहले यहां पे एक जो डक्ट डक डक्ट ये एनलाज कर जाती है इसको एम्प्यूला बोलते हैं इस एम्प्यूला को हम बोलेंगे एम्प्यूला ऑफ वेटर ठीक है अब ये जो है कॉमन हिपैटिक डक्ट लिवर यानी कि लिवर क्या सिंथेसाइज करता है लिवर सिंथेसाइज बाइल और बाइल में देखा जाए तो कोई भी एंजाइम प्रेजेंट नहीं होती बाइल जो है एक तरह से अल्कलिन सॉल्यूशन होता है जो यानी कि ये जो है पार्शली डाइजेस्टेड फूड को जो कि डिओडिनम में आ रहा है स्टमक से उसको अल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करता है दूसरा बाइल जो है क्या करता है इमल्सिफिकेशन करता है यानी कि फूड को थॉरोली मिक्स करके जो फैट पार्टिकल्स है उनको सेपरेट कर देता है ठीक है नाउ दिस वाज ऑल अबाउट लिवर अब हम इसका लिवर का कंपेरेटिव अकाउंट अगर हम देखें इफ आई टेल यू फर्स्ट इज साइक्लोस्टोम ये देखो साइक्लोस्टोम में हम यूजुअली किसकी बात करते हैं हम दो एनिमल्स की बात करते हैं साइक्लोस्टोम में एक तो हैग और एक लैम्परे ठीक है अब इफ यू सी हैग फिश यहाँ पे जो लिवर दैट इज़ क्वाइट स्मॉल काफ़ी छोटा होता है और सिंगल लोब्ड होता है वेर एज लैम्प्रे में यू फूसी ये देखो ये एमोसिटस लार्वा जो है लेम्प्रे का होता है और यहाँ पर आप देख रहे हो ये छोटा सा एरिया दिस इज लिवर ठीक है तो लैम्परे में जो यू कैन से जो लार्वा है एमोसिटस लार्वा है उसमें यू विल फाइंड सॉरी हैग फिश में डबल लोब्ड है और uh, लैम्परे के एमोसिटस लारवा में सिंगल लोब्ड लिवर है और एडल्ट में लिवर एबसेंट होता है किसमें साइक्लोस्टोम्स में ठीक है नेक्स्ट कम्स फिशेस ये देखो लेबियो का है ये देखो आप कितना बड़े बड़े लोब्स हैं लिवर के कैन यू सी ठीक है फिशेस के इफ यू सी लोब्स आर दे आर लार्ज राइट और गॉल ब्लैडर जो है ये देखो ये दिखाई दे रहा है दिस इज दल जस्ट इट विद

फिश कम्स लेवर ऑफ एम फीबिया ये दिखाई दे रहा है एमफीबिया में अगर आप देखोगे लेवर इज़ कैन यू सी दिस डार्क कलर पोर्शन हेयर ऑल्सो दिस डार्क कलर पोर्शन लिवर इज कंपेरेटिवली लार्ज इन केस ऑफ एमफीबिया इन प्रपोर्शन टू द बॉडी साइज मैनी लोब्ड है और गोल ब्लैडर भी कैन यू सी ये तो ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है ये गोल ब्लैडर गॉल्व ब्लैडर इफ यू सी इज आल्सो प्रेजेंट इन केस ऑफ फिश नाउ वी कम टू रेपटाइज ये देखो ये वो, ये जो वॉल वॉलर्ड है उसका उसका डायग्राम है वॉल में इफ यू सी कैन यू सी दिस ग्रीन कलर्ड पोर्शन दिस पोर्शन इफ यू सी दिस इज आई जस्ट हाईलाइट इट ये ये जो पोर्शन जो ग्रीन कलर का पोर्शन है दिस पोर्शन इज नथिंग बट द लिवर ऑफ रेप्ट और वॉल वॉलिस ठीक है ये भी मैनी लोब्ड है गॉल ब्लडर भी प्रेजेंट होता है जबकि स्नेक में कैन यू सी स्नेक में सिंगल लोब्ड लिवर प्रेजेंट होता है डॉर्सल साइड दिखाई दे रहा है दिस पोर्शन ये देखो दिस होल पोर्शन ये जो है डॉर्सली सिंगल लोब ऑफ लिवर प्रेजेंट इन स्नेक्स दिस वॉज अबाउट रेप्टज नाउ कम्स बर्ड्स बर्ड्स में भी इफ यू सी ये देखो पीजें दे रखा है दिस होल रेड कलर पोर्शन सी कैन यू सी दिस होल पोर्शन इज लिवर ठीक है और लिवर यहाँ पर मैनी लोब्ड है मैनी लोब्ड लिवर इज प्रेजेंट इन केस ऑफ बर्ड्स गोल ब्लैडर जो है ज़्यादातर केसेस में एबसेंट होता है बर्ड्स में गोल ब्लेडर इज एबसेंट पिजन में क्या होता है दो लोब्स होते हैं तो दो ही जो है डक्ट होती हैं और दोनों डक्ट जो है डेओडिनम में सेपरेटली ओपन होती है तो इस तरह अगर ये डेओडिनम है तो दोनों तरफ दोनों लोब्स की डक्ट जो है वो सेपरेटली ओपन हो रही है ठीक है नाउ कम्स दिस इज सी मेमिलियन लिवर ठीक है इस मेमिलियन लिवर भी मैनी लोब्ड है बेसिकली देखो दो लोब्स हैं बट दे आर ऑल्सो इंटरनल डिटू थ्री इन टू लोब्स तो देखा जाए तो रेबिट और मैन में देर आर फाइव लोब्स ठीक हैलर का दिखाई दे ग्लैडर इज प्रेजेंट इन मैन बट गॉल ब्लैडर जो है कई बार एब्सेंट होता है किन में रोडेंट्स रोडेंट्स में क्या स्क्वेर आती है रैट आता है परशोडेक्टाइल्स परसियोडक्टाइला एक ऑर्डर है मेमेलिया का जिसमें जेबरा डनोसरस हॉर्स ये सब एनिमल्स आते हैं और फ्यू आर्टीओडक्टाइला आर्टिओडेक्टाइला में भी आर्टी डेक्टाइला के मैंने एग्जाम्पल बताए थे ना जो ग्रेजिंग एनिमल्स हैं जैसे कि कैमल है गोट है बफल काउज हैं कैटल्स हैं सो so, उनमें कुछ में फ्यू आर्टियोडेक्टाला मैंशन नहीं किया कौन कौन से वो एनिमल्स हैं जिनमें गोल्व ब्लैडर एबसेंट होता है ठीक है आफ्टर लेबर वी कम टू द सेकेंड मेन ग्लैंड सेकेंड लार्जेस्ट ब्रदर दैट इज पेनक्रियास ठीक है अगर मैं ह्यूमन बॉडी में दिखाऊं तो पेनक्रियाज की लोकेशन समवेयर कहाँ होती है इधर होती है ना समवेयर हिर इधर लोकेटेड होता है ना तो ये सेकेंड लार्जेस्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड है बॉडी की और ये जो है हिट्रोक्राइन है हालांकि तुम लोग सब जानते हो फिर भी एक बार बता देते हैं हिट्रोक्राइन का मतलब ये एंडोक्राइन भी है और एक्जोक्राइन भी है एक्जोक्राइन का मतलब क्या हुआ है कि ये अपना जो सिक्रीशन है डर्क के थ्रू रिलीज करती है एंडोक्राइन का मतलब ये है अपना सिक्रेशन जो है ब्लड के थ्रू रिलीज करती है ठीक है अगर हम पेनक्रियाज का सेक्शन लें देखो ठीक है कैन यू सी दिस मिडिल पोर्शन दिस मिडिल पोर्शन इस पोर्शन ये दिस होल जो ये एकदम अलग सा दिख रहा था मेरे को फिर दिखाई दे रहा है ये लाइटेड सा पोर्शन है इसको कहते हैं आईलेट्स ऑफ लैंगर ठीक है आईलेट्स ऑफ लैंगर जो है एंडोक्राइन पोर्शन है ठीक है जो जिसमें अल्फा सेल्स हैं बीटा सेल्स हैं अल्फा सेल्स जो है हार्मोन विच वी कॉल एज ग्लूकागोन जो कि ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है बीटा सेल जो है रिलीज अ रिलीज अ हॉर्मोन नोन एज इंसुलिन जो कि ग्लूकोज लेवल को डाउन करता है ठीक है ये है एंडोक्राइन प्लांट इसके अलावा कैन यू सी दिस ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर्स इनको कहते हैं एसिनाई ठीक है एसिनाई में इफ यू सी कैन से एल्वियोलाई ईच एल्वियोलाई में इस तरह जो है पिरामिडल सेल्स होते हैं इस तरह से पिरामिडल सेल्स होते हैं और सेंटर में जो है एक तरह से इस तरह से यू कैन से समथिंग लाइक दिस ठीक है ये एसिनर सेल्स है और सेंटर में देर इज अ स्पेस और कैविटी ये एसिनर सेल्स इफ यू सी देर सिक्रीट डाइजेस्टिव जूसेस ठीक है ये डाइजेस्टिव जूसेस में क्या क्या होता है इनमें जो है इफ यू सी दे कंटेन एन्जाइम्स लाइक ट्रिप्सिनोजन जो कि प्रोटीन डाइजेस्ट में काम आती है अनदर प्रोटीन डाइजेस्ट एंजाइम काइमो ट्रिप्सिनोजन ठीक है देन अनदर प्रोटीन एंजाइम प्रोकॉ कार्बोक्सी पैप्टीडिज ठीक है देन एक सलाइवरी अमाइलेज होती है पक्रियाज जो रिलीज करती है उसको बोलते हैं पेनक्रियाटिक अमाइलेज देन देर इज पेनक्रियाटिक लाइपेज लिपिड को डाइजेस्ट करती है और न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करती है वी कॉल इट एज न्यूक्लियस राइट तो ये सारे पार्ट्स जो है कौन रिलीज कौन सिंथेसाइज करता है ये एसिनर पार्ट रिलीज करता है ये जो है एक्सोक्राइन पार्ट ये डाइजेस्टिव जूसेस जो है सिंथेसाइज करता है और रिलीज करता है ठीक है Now, अब इसकी करते हैं वेरी स्मॉल कंपेरिजन सबसे पहले जैसे हम देखते हैं साइक्लोस्टोम्स साइक्लोस्टोम इफ यू सी दैट हैग फिशेज में यानी कि मेगजीन में बहुत ही स्मॉल पैनक्रियाज होता है ठीक है बाईल के पास लैम्प्रेज में इफ यू सी लैमप्रेज में पैनक्रियाज इज एब्सेंट ठीक है इफ एट ऑल जैसे मैंने बताया था ना कि इंटेस्टाइन uh, में लैम्प्रेज में टिफ्लोसोल होता है कई बार टिफ्लोसोल में जो है टिफ्लोसोल में या इंटेस्टाइन में या लिवर में इफ यू सी कई बार कुछ पैनक्रियाटिक टिश्यू जो है प्रेजेंट होता है लिटिल बिट पैनक्रियाटिक टिश्यू इज प्रेजेंट जो कि पैनक्रियाटिक जूस जो है सिक्रीट करते हैं आफ्टर साइक्लोस्टोम नेक्स्ट कम फिशेस ठीक है फिशेस में जो एलाज्मोब्रैंक्स हैं या और जिनके कॉन्ट्रिक थाइस है उनमें जो है इलाज्मोब्रेंग जो है एक तरह कॉन्ट्रैक्ट है इसको रिप्रेजेंट कर रहे उनमें वेल well डिफाइंड जो है पेनक्रियास प्रेजेंट होता है ठीक है उसमें बकायदा डोर्सल लोब होता है पेनक्रियाज का वेंट्रल लोब होता है पेनक्रियाज का और जो है डोर्सल लोब जो है कार्डिक स्टमक के पास लोकेटेड होता है वेंट्रल लोब इफ यू सी इट लाइज क्लोज टू पाइलोरिक स्टमक ठीक है और दोनों की डक्ट जो है आ, ओपन होती है एज सिंगल डक्ट इन डिओडिना करेक्ट इसमें इलाजमो ब्रैंक्स में वेर एज फिश में डिप्नोई जो कि लंग फिश है या टीलियोस्ट इनमें जो है वेल डिफाइंड पेनक्रियाज जो है नहीं होता है पेनक्रियाज जो है इनमें एप्सेंट होता है वेल डिफाइंड मतलब कुछ टिश्यू हो सकता है प्रेजेंट हो बट पेनक्रियाज सेट ऑर्गन और ग्लैंड इज एप्सेंट नेक्स्ट कम्स एम्फियस ठीक है रेक्टाइल्स और बर्ड्स इनको इकट्ठाई ले लेते इन में इफ यू सी वेल डिफाइंड कॉम्पैक्ट पेनक्रियाज इज प्रेजेंट डिओडिनम और यू कैन से स्टमक के बीच में जैसे ये स्टमक है और ये डिओडिनम है इसके बीच में जो लूप बनता है वहाँ पर जो है वेल डिफाइंड कॉम्पैक्ट पेनक्रियाज प्रेजेंट होता है और डायरेक्टली एक से ज़्यादा पेनक्रियाटिक डक्ट जो है डायरेक्टली डिओडिनम में ओपन हो जाती है यानी कि मोस्ट ऑफ द टाइम देर आर टू पेनक्रियाटिक डट्स डॉर्सल एंड वेंट्रल जो कि एम्फीबियंस रेप्टाइल्स और बर्ड्स में डायरेक्टली डिओडिनम में ओपन होती है मैमल्स no, में mammals. Mammals जो है डिओडिनम और एलियम के बीच में यहाँ पे समवेयर हेयर जो है पेनक्रिया डाइग्राम में भी था ना कैन यू सी दिस येलो कलर्ड पोर्शन दिस इज पैनक्रियास राइट सो हेयर इफ यू सी इन केस ऑफ मैमल्स डिओडिनम और एलियम के रेबिट में तो डियोडिनम और एलियम के बीच में होता है वी शेफ्ट ठीक है और uh, इन केस ऑफ रैबिट इफ यू सी देर आर प्रेजेंट टू पेनक्रियाटिक डट ठीक है जो वेंट्रल डट है वो यानी कि डोर्सल और वेंट्र दोनों ही डक्ट जो है डायरेक्टली ज्वाइन करती हैं रैबिट में इन आ, मैमल्स ठीक है और दोनों ये डक्ट जो है फंक्शनल है बट मैन शीप और कैट में डक्ट तो दोनों प्रेजेंट है बट वेंट्रल डक इज फंक्शनल डोर्सल डक इज नॉट फंक्शनल ठीक है अदरवाइज रेस्ट ऑफ द मैमर्स में भी दो जो है पेनक्रियाटिक डॉर्सल एंड वेंट्रल ठीक है कुछ मैमर्स में एक स्ट्रक्चर है जैसे वहाँ पे गॉल ब्लैडर होता है वैसे इधर इज स्ट्रक्चर नोन एज पेनक्रियाटिक डक जो कि पेनक्रियाटिक जूस को स्टोर करता है ये भी प्रेजेंट होता है फ्यू मेमल्स दे हैव नॉट नेम्ड दे हैव जस्ट सेड कि पेनक्रियाटिक ब्लैडर इज आल्सो पेनक्रियाटिक ब्लैडर नो डट पेनक्रियाटिक ब्लैडर इज आल्सो प्रेजेंट इन फ्यू मैम्स टू स्टोर पेनक्रियाटिक जूस दिस इज ऑल फॉर टुडे एंड टमोरो विद द न्यू चैट